पौड़ी में जिलाधिकारी ने कई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान लंबित राजस्व और फौजदारी वादों के निस्तारण के संबंधित विभाग को निर्देश दिए। हरिद्वार के भाद्रबाद ब्लॉक में कोटा मुरादनगर से ग्राम प्रधान मुजल्लिम और गढ़ से बीडीसी इसराना के उपचुनाव में जीत के बाद समर्थकों ने धूमधाम से जश्न मनाया। नवनिर्वाचित प्रधानों ने कहा कि ये जीत जनता के भरोसे का परिणाम है। गाजीपुर में पुलिस और आबकारी टीम ने 4 लाख की अवैध शराब पकड़ी और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई भंवर कोल थाना क्षेत्र के लोहारपुर गांव में हुई है, जहां तस्करों के कब्जे से एसयूवी कार में लदी शराब की खेप भी बरामद हुई। अवगत कराना है कि दिनांक 9/10/2024 को एसओ भागपुर रात्रि में क्षेत्र में घूमने शिफ्ट थे कि एसओ भागपुर को सूचना मिली कि एक ब्लैक एसयूवी 500 जो कि HR नंबर की है, उसके माध्यम से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बिहार ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसओ भागपुर के द्वारा थाना भागपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम लोहारपुर में जंगीवीर घाट से उस ब्लैक एसयूवी 500 को बरामद किया गया और उस कार से करीब 691 लीटर अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत करीब 4,04,000 रुपये होगी वो भी बरामद की गई। मौके से कुल 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में थाना भावरपोल में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रस्तुत। झांसी के सदर बाजार में मां दुर्गा काली की भव्य आरती में SSP सुधा सिंह ने भाग लिया। 56 भोग का प्रसाद चढ़ाने के बाद उन्होंने नवरात्र पर शांति और सौहार्द बनाने की अपील की। झांसी में डांडिया नाइट्स के दौरान मुस्लिम लेडी एंकर बेबी इमरान के आने पर हंगामा हुआ। गेट पर रोकने के बाद वो स्टेज पर पहुंची तो माइक बंद कर दिया गया और साउंड सिस्टम भी बंद कर दिया गया। इसमें कार्यक्रम में अंधेरा छा गया और आखिर में उसे बाहर जाना पड़ा। आयोजकों ने इस घटनाक्रम पर नाराजगी जताई। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए रखे थे। मुझे कल ही पता चला और आज सुबह भी से कहा गया, पहले तो मेरे पूरे झांसी में पोस्टर लगाए गए, जैसा कि मैं लोक सांस्कृतिक कलाकार हूँ सभी जानते हैं। दुबई में भी जाकर और मैंने सोनी चैनल पे जाकर और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के जरिए भी मैंने अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया। सभी ने मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि झांसी की पूरी जनता ने मेरा साथ दिया है और मैं अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाती हूँ। लेकिन आज ये यहाँ पर मसला खड़ा हुआ है कि कहा जा रहा है कि जैसे मैं अंदर आई तो कहा गया कि जो लक्ष्मी गार्डन में जो ओनर हैं उनको आपसे बहुत परेशानी है, आप बाहर निकल जाइए। और जो हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं मयंक अनुरागी जी, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम जनरेटर स्टार्ट नहीं करेंगे अगर बेबी इमरान रही तो। बेबी इमरान से उनको क्या प्रॉब्लम है पर्सनली, क्योंकि सब जगह हमने पूछा, कई जगह हमसे बोला गया, पहले प्रशासन को किसी को दिक्कत नहीं है, इनको हमसे क्या प्रॉब्लम है। गोंडा जिले के मस्सक नवा कब्जे में नवरात्रि के दौरान दुर्गा प्रतिमा के पंडाल में बम गोले दागे गए, जिससे विवाद शुरू हुआ तो उससे समुदाय के लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद पथराव हुआ और कुछ लोग घायल हो गए। सूचना पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, आक्रोशित लोगों को शांत किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेरठ में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत जिलाधिकारी दीपक मीणा ने इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाली छात्रा राम्या को एक दिन के जिलाधिकारी बनाया। इस दौरान राम्या ने लोगों की समस्याएं सुनी। कौशाम्बी के केशारी गांव में गंदगी के चलते डायरिया फैल गया है, जिससे में 25 लोग बीमार हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरीजों का इलाज शुरू किया है। जौनपुर में दबंगों ने 180 रुपये के लिए युवक को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जंप किया और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। श्रावस्ती में नवरात्रि के अवसर पर 9 देवी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता से जुड़े काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। नगरपालिका बिनगा ने आयोजित कार्यक्रम में कुल 9 बिंदुओं पर काम करने वाली महिलाओं का चयन किया, जिसमें समूह की महिलाएं भी शामिल थी जो क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाती है। सरकार की
की तरफ से जारी निर्देशों के क्रम में आज हम लोगों द्वारा नौ देवी सम्मान समारोह आयोजित किया गया और ये समय मिशन शक्ति का भी चल रहा है, जिसके तहत महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन की तरफ सरकार बढ़ रही है महिलाओं के लिए। उसी के क्रम में आज स्वच्छता के क्षेत्र में और सामुदायिक जागरूकता के संबंध में और स्वच्छ सारथी क्लब और स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचार के अंतर्गत जिन महिलाओं ने अपनी भागीदारी नगर पालिका में सुनिश्चित किया गया है, आज उनके सम्मान का दिन था और हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उनको सम्मानित करके। ये महिलाएं अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए और उसी के साथ देश के लिए भी कल्याणकारी कार्य कर रही हैं और ये हमारे लिए देवी स्वरूपा हैं, उनको सम्मानित करके हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। कानपुर में राज्य मंत्री अरुण कुमार ने प्राणी उद्यान में जंगल सफारी का उद्घाटन किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से वृक्षारोपण करने और पेड़ों की देखभाल करने की भी अपील की। फतेहपुर में कोटेदार संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। संघ के अध्यक्ष उमेश त्रिवेदी ने राशन और चीनी का लाभांश बढ़ाने और मानदेय की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र धारा हेलीपैड पर पैसेंजर टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस हेली सेवा से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट गुरुद्वार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे सुखमणि साहिब पाठ के बाद शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु अंतिम अरदास के साक्षी बने। सितारगंज के राजकीय इंटर कॉलेज में युवा कल्याण विभाग की ओर से 93.60 लाख की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। विधायक सौरभ बहुगुणा ने भूमि पूजन किया, जिसमें एथलेटिक्स ट्रैक, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।